कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही ताते तुम पाही। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय बजरंगबली। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए हनुमान जी महाराज का एक ऐसा शक्तिशाली हनुमान बीज मंत्र लेकर आए हैं, जिसे अगर आप सोते जागते, उठते बैठते या बिस्तर पर लेटे लेटे केवल एक बार भी बोल देंगे तो जीवन की सभी परेशानियां चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी और खुद हनुमान जी महाराज आपके सभी कष्ट हर लेंगे। इस मंत्र का प्रभाव इतना तेज देखने को मिलता है कि मंत्र को मुख में लाने भर से ही यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा है, किसी बड़ी समस्या से परेशान हैं, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कोर्ट कचहरी में अनैतिक धन बर्बाद हो रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ करके देख चुके हो, तो आज से ही हनुमान जी महाराज के इस प्रभावी मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र के प्रभाव से जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। प्यारे भक्तों, अगर आप रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी नौकरी या धंधे में सफलता नहीं मिल रही है, कोई शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से याद करके बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस मंत्र को केवल एक बार बोल देना। स्वयं हनुमान जी महाराज आपकी सभी परेशानियाँ व संकट हर लेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं इस शक्तिशाली हनुमान बीज मंत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MF5 को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में। इस मंत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए और कहीं पर नोट भी कर लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र को सबसे प्रभावी मंत्र माना गया है। इस मंत्र के जाप से भक्तों को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं और दुख एवं दर्द दूर हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MF5 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।